प्रवर्तक की खबर पर, सरपंच पति विधायक पति हमारे संस्कारों की तरह सियासत में भी पत्नी अपने पति की छत्र छाया से निकल नहीं पाई है, तो क्या आधी आबादी पति रूपी पंखों के बिना अरमानों का आसमान नहीं छू सकती? सीट पे बैठे अन्यथा विकास अपंग हो रखा है। जीत जाएंगे हम, तुम अगर सक एक नंबर जमाना है, तेरे बगैर नहीं भर सकती उड़ान। तुमसे ही है मेरी पहचान। अनीता सरपंच का चुनाव लड़ रही है और वोटरों को समझा रहे हैं राकेश अनीता के पति। बेस नंबर 1 पे ही आपको बटन दबाना है। कानून ने आधी आबादी को समाज और देश की दिशा तय करने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आधी आबादी के जीवन की दिशा पति पिता बेटे या फिर भाई की इच्छाओं के इर्द गिर्द ही तय होती है। तभी तो राकेश साये की तरह अनीता के साथ है। पोस्टर में भी अनीता के साथ साथ राकेश की तस्वीर बता रही है कि उसके बिना अनीता की कोई पहचान नहीं है। मतलब ये हमारे साथ खड़े हैं और साथ चल रहे हैं, लोगों का साथ मांग रहे हैं, सबसे सब गांव का सहयोग मिलेगा तभी तो ये कुछ कर पाएंगे ना। फोटो हम इसलिए लगाते हैं कि ये तो शादी होके वहाँ से आए, इसको यहाँ से पहले कोई जानता नहीं, हमको जानते हैं, हम शुरू से हैं, तो हमारे साथ ही जानेंगे इनको भी, उसके बाद ही जान पहचान तो गांव वाले भी। रुखसाना के रुख से पर्दा तो हट चुका है, लेकिन अभी भी ईशान ही उसकी जुबान है। मैं जीती तो सब कुछ करूंगी, पूरा विकास करेंगे जी। हाँ, भरोसा दे रही गांव की जनता। हाँ, साथ लग गए लोग जी। हाँ नहीं सर, अधूरा कोई किसी के लिए बिना नहीं है, लेकिन एक औरत होती है पर्दे के अंदर, जिसको माहौल के मतलब जो बाहरी माहौल है उसको पूर्ण तरीके से उसके अंदर उजागर नहीं किया जाता, इसलिए जो मर्द साथ में रहता है उसको आसपास के जितने भी लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान जितने भी हैं, सभी लोग उसको अच्छे से जानते भी हैं और उसके सहयोग से ही उस स्त्री को वोट मिलता है। सुशीला यादव का पोस्टर भी बिना उसके पति की तस्वीर के हो, ये कैसे हो सकता है? सुशीला के ससुर के पिता 25 साल पहले सरपंच थे, स्वर्ग से धार गए हैं, लेकिन इस चुनाव में पोस्टर में लगी तस्वीरों ने उन्हें जिंदा कर दिया है। माँ का पिताजी अंडे 25 साल तारी सरपंच रिया था, जो सरपंच रिया था जना मैं 20 साल तो चुनाव लड़िया को ने, अब बहुत लेडी सीट आई जिंडा आतोज में, तो मारा बेटा की बहू ने चुनाव लड़ाई, बेटा की फोटो पति से, वो पति से सुशीला को पति से, इसलिए ये तस्वीरें ये पोस्टर अनीता रुखसाना सुशीला आधी आबादी की हकीकत है, बाकी अधिकारों वाले फसानों से लिखे साहित्य की सरिता में गोते लगाते रहिए। जाहिर है आजादी के इतने सालों बाद भी गांव में महिलाओं को घर की दहलीज लांघने की अनुमति नहीं है, इसलिए उनकी पहचान नहीं बन पा रही है। ऐसे में महिलाएं जब तक अपने हक के लिए घर से निकलकर अपनी पहचान खुद नहीं बनाएगी, तब तक उनके नाम के आगे इन मर्दों के नाम ही चस्पा होते रहेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर।